जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में मौसमी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण वायु प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, महासागरों का अम्लीकरण, अम्ल वर्षा या एसिड रेन जैसी घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इन सबके बीच साफ पानी की झीलों पर मंडरा रहे खतरे ने वैज्ञानिकों को एक चिंता में डाल दिया है। दुनिया में साफ पानी के तंत्र, खास तौर पर साफ पानी की झीलें और ज्यादा अम्लीय होती जा रही है। इसके कारण यहाँ पाए जाने वाले पौधों और यहाँ की मछलियों सहित अन्य जीवों की जनसंख्या कम होती जा रही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ज्यादा होने से जो अम्लीकरण होता है वह अम्ल वर्षा से अलग होता है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड से होती है। ये गैसें जीवाश्म ईंधन के उपयोग की वजह से वायुमंडल में ज्यादा मात्रा में आ जाती हैं। अम्ल वर्षा छोटे इलाकों में होती है। रासायनिक बदलाव चीजों के बर्ताव बदल देते हैं, जिसमें खाद्य जाल भी शामिल है। वैज्ञानिक अब एक सेंसर नेटवर्क बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे वे पानी के रसायन शास्त्र की निगरानी कर सकते हैं। वास्तव में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धीरे धीरे यह एक बड़े प्रभाव में बदलने लगेगा। साफ पानी का पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों के तंत्र से बहुत अलग होता है। इसके जीवों की संवेदनशीलता भी अलग और ज्यादा होती है। थोड़ा सा भी बदलाव उनके लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा दुनिया की कई झीलों का भी ऐसा ही हाल है। खासतौर पर बर्फीले इलाकों के पास की झीलों में जरूरत से ज्यादा पानी बहकर पहुँचने से वहाँ के तंत्र को प्रभावित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।